दोस्तों यहाँ पर आईफोन 13 सीरीज पूरी की पूरी लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको चार तरीके के स्मार्टफोन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी वेट था दोस्तों सभी यहाँ पर लोगों को इस आईफोन 13 सीरीज़ का, जो इसको परचेज करना चाहते थे। तो दोस्तों सबसे पहले प्राइस की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इन सीरीज़ की। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्राइस है वो मैंने कन्वर्ट कर दी है, और ये एस्टिमेटेड प्राइस है कि इंडिया में इसी प्राइस पर लॉन्च होगा। यहाँ पर 60,000 का बेस पीरियड माना जा रहा है 13 मिनी का, एंड जो दोस्तों 13 है वो 80,000 के आसपास, एंड 13 प्रो यहाँ पर 120, एंड जो 13 प्रो मैक्स है वो 130 तक आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें दोस्तों आईफोन 12 सीरीज़ की, तो वो यहाँ पर आपको 60 से लेके 120 तक देखने को मिल जाती थी अगर आप इसके बेसिक वेरिएंट्स लेते थे। तो यहाँ पर प्राइस में तो थोड़ा दोस्तों इंक्रीज़ हुआ ही है। एंड दोस्तों इसमें आपको स्मॉलर नॉच इस बार देखने को मिल जाएगी, इसमें बड़े वाली नॉच देखने को नहीं मिलेगी, थोड़ी नॉच यहाँ पर छोटी कर दी गई है। तो मैं आपको सारी स्पेसिफिकेशन बताऊँगा, तो खासकर तो दोस्तों हम कैमरे की बात यहाँ पर करने वाले हैं। दोस्तों जो आईफोन 13 मिनी एंड आईफोन 13 है, अगर उसका हम कैमरे की बात करें तो उसमें आपको 12 12 12 मेगापिक्सल के दो कैमरे देखने को मिलते हैं बैक में। फ्रंट में दोस्तों 12 मेगापिक्सल का एक कैमरा देखने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो इसका मेन कैमरा है वो आता है अपर्चर f1.6 के साथ। दोस्तों यही आपको आईफोन 12 में देखने को मिलता था। दोस्तों जो 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, जो इसका सेकेंडरी सेंसर है, वो आता है f2.4 के साथ। तो दोस्तों इसमें आपको ये दो कैमराज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पर आईफोन 13 प्रो एंड 13 प्रो मैक्स के बैक कैमरे की, तो भाई कुछ अलग ही लेवल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 12 12 मेगापिक्सल के तीन कैमरे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि नया इसमें क्या है। दोस्तों इसमें जो मेन कैमरा है वो अपर्चर f1.5 के साथ आता है। तो भाई जो आईफोन 12 था ना, 12 प्रो मैक्स, उसमें आपको अपर्चर f1.6 देखने को मिलता था, इसमें f1.5 है, मतलब लो लाइट में काफ़ी बेहतर काम ये करेगा। इसमें जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है दोस्तों वो भी अपर्चर f1.8 के साथ आपको देखने को मिलता है। तो भाई जो फोकल लेंथ है इन कैमरास की काफ़ी ज़्यादा कम है, यहाँ पर जो पावर है वो बढ़ जाती है। इसमें जो टेलीफोटो लेंस है वो f2.4 के साथ आता है, एंड जो जूम है वो 3x तक मैक्सिमम आप कर सकते हो, बाकी 12 वाली सीरीज़ में 2x ही आपको देखने को मिलता था। तो यहाँ पर ये अपग्रेड इसमें है। दोस्तों यहाँ पर आपको A15 बायोनिक चिप देखने को मिल जाती है, पिछले वाले से दोस्तों ये भी अपग्रेड है, उसमें A14 देखने को मिलती थी। एंड जो दोस्तों इसकी स्पीड है वो सबसे ज़्यादा अभी तक के प्रोसेसर की रहने वाली है। आपको पता है कितने अच्छे प्रोसेसर होते हैं जो कि आपको आईफोन्स में देखने को मिलते हैं। इसमें दोस्तों 5G रेडी आपको देखने को मिल जाता है स्मार्टफोन, जो आईफोन 13 सीरीज़ है। देखिए दोस्तों जो 13 मिनी है वो भी आपको यहाँ पर 5G रेडी देखने को मिलता है, तो काफ़ी सही बात है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों आपको क्या लगा कमेंट में आप ज़रूर लिख सकते हो। बात करें दोस्तों स्क्रीन की, तो मैक्सिमम यहाँ पर जो आईफोन 13 प्रो मैक्स है उसमें आपको 120 हर्ट्ज की स्क्रीन देखने को मिलती है विद 6.7 इंच के साथ, एंड जो 13 मिनी है उसमें आपको दोस्तों 5.4 इंच की स्क्रीन देखने को मिलती है। बाकी दोस्तों आईफोन 13 का जो मेन रहता है वो है बैटरी कितनी है भाई इसमें। तो बैटरी के बारे में दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, जो आईफोन 13 मिनी है उसमें 2406 mAh की बैटरी, दोस्तों ये यहाँ पर लीक्स निकले, अभी आईफोन ने बताया नहीं है। बाकी आईफोन 13 प्रो मैक्स में 4352 mAh की बैटरी, एंड आईफोन 13 प्रो में 3095 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल सकती है, जो कि दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर अपग्रेड के साथ ही आई हुई है। इसमें दोस्तों मैं आपको एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जिसमें कंपेयर किया गया है कि किस तरीके से आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलता है इन सभी स्मार्टफोन का विद आईफोन 12 सीरीज़ के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईफोन 13 मिनी का अगर आप वीडियो चलाते हो तो 17 घंटे तक का यहाँ पर बैटरी बैकअप बोला गया है। तो दोस्तों मुझे यहाँ लगता नहीं है कि 17 घंटे का बैटरी बैकअप ये फ़ोन दे पाएगा, लेकिन चलिए देखते हैं क्या रहता है, वो तो पता लग ही जाएगा। बाकी दोस्तों अगर मैं बात करूँ कुछ और फीचर्स की, तो सबसे बड़ा फीचर है 1 TB की स्टोरेज इस बार आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। लेकिन दोस्तों जो हाई एंड वेरिएंट है इन 1 TB वाले स्टोरेज का, तो वो आपको 180 170 तक यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस भी रहने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।